सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन सीता थी? आप में से कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं? रावण ने जिन माता सीता को चुराया, क्या वह राम की पत्नी थी? उत्तर दो। नहीं, रावण ने जिन सीता मां को चुराया था वह राम जी की पत्नी नहीं, वह राम जी ने एक लीला की थी। असली सीता को अग्नि में वास दे दिया था और वो माता सीता की परछाई थी, अर्थात वेदवती। वेदवती नाम की एक महिला, एक स्त्री जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, तप के माध्यम से तप कर रही थी, और भगवान को ही पति के रूप में वह प्राप्त करना चाहती थी। अब मिले कैसे? अब राम जी का विवाह तो माता सीता जी से हो गया है। एक बार रावण, अब पूरी कथा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार रावण, अच्छा रावण जिस भी सुंदर महिला को देखता था ना, उसे परेशान जरूर करता था। एक दिन रावण हिमालय की तरफ चला गया, तो वहां पर एक सरोवर के तट पर माता वेदवती अपने बाल खोलकर और तपस्या में मग्न थी। तो रावण ने देखा कि स्त्री तो बड़ी सुंदर है, तो रावण जाके उस स्त्री के केस पकड़ लिया। वो वेदवती माता समझ गई कि कोई यहां दुष्ट आया है। रावण सामने जाकर खड़ा हो गया और माता को परेशान करने लग गया। तब माता वेदवती ने शाप दे दिया, शाप दिया, रावण तूने मुझे तपस्या से, मेरी तपस्या को तूने भंग किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसे टच किया तेरा विनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे मां क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैं समझ नहीं पाया आप कौन है। तब मां वेदवती ने कहा, फिर मैं तुझे यदि जिस स्त्री को तू उसकी मर्जी के बिना यदि तू उसको हरण करेगा या उसकी तरफ देखेगा, यदि वह तुझ पर करुणा की दृष्टि एक बार डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। वही वेदवती, उस वेदवती मां ने कहा कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। वह माता वेदवती जब राम जी जंगल गए, चित्रकूट से पंचवटी गए, तो वहां राम जी ने माता सीता से कहा कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि में वास कीजिए, मैं अपनी कुछ लीलाएं कर लूं। तो असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी राम जी ने, और जो वेदवती थी वह अग्नि से उन्होंने प्रकट करा ली, जो माता सीता की परछाई कह दो या वेदवती माता कह दो। तो रावण जिन सीता को चुराया वह वेदवती थी और ले गया। इसलिए रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, क्योंकि एक बार कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी तो रावण अमर भी हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक बार हमारी ओर देख लीजिए, इसलिए कहा गया कि एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह माता सीता माता वेदवती थी। असली सीता तो अग्नि में वास करा दिया था भगवान राम ने, यह बात रामचरितमानस में लिखी है, इतना तो लिखा ही है कि अग्नि में माता सीता का वास करा दिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब रावण के यहां से आए तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली,
अग्नि परीक्षा नहीं ली। राम जी को पता था कि सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं और गंगा की तरह पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, वह माता सीता की वापसी थी, अग्नि में गई। अब ये जो वेदवती माता थी ना, इन वेदवती माता को जब रावण के यहां से रहकर आई, राम जी से मिली, तो राम जी से इन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने अभी आपकी पत्नी का अभिनय किया है, अभी मैं आपकी पत्नी हूं नहीं, मैंने सिर्फ आपकी पत्नी होने का क्या किया है, अभिनय, अब मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने कहा, इस युग में नहीं, मैं कलयुग में आऊंगा तब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनती हैं। और आप पीछे देख रहे हैं तिरुपति बालाजी को, इनका नाम है श्रीनिवास, जो व्यंकटेश भगवान है तिरुमला पर्वत पर। आप कभी नाम सुना है तिरुपति बालाजी का? तिरुपति बालाजी मतलब व्यंकटेश भगवान है ना, ये पीछे तिरुपति बालाजी का आप दर्शन कर रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी जिनका नाम है श्रीनिवास, उनका विवाह माता वह सीता ही, जो अग्नि में प्रवेश, अग्नि से निकली थी पद्मावती बनकर आई, वह वेदवती ही पद्मावती बनकर आई, और भगवान तिरुपति बालाजी से उनका इस कलयुग में विवाह हुआ। ये कथा तिरुपति बालाजी की कथा है ना। तो ये कथा है, पद्मावती मां, इसलिए तिरुपति बालाजी की तिरुपति, त्रिपति मतलब तीन के पति है तिरुपति, इसलिए उनका नाम है तिरुपति, तीन के पति, लक्ष्मीपति, पद्मावती के पति और भूदेवी के पति, श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती, तीन के पति तिरुपति। तो तिरुपति बालाजी जो कि तिरुमला पर्वत पर विराजे हैं, आपने शायद कभी दर्शन भी किया हो प्रत्यक्ष रूप में, तो ये तिरुपति बालाजी की, ये कलयुग में, ये तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट हुए हैं, कलयुग में इन्होंने विवाह किया है। उन्हीं सीता को जो वचन दिया ना कि अभी तुमने हमारे लिए केवल अभिनय किया, अब हमारी पत्नी के रूप में अब कलयुग में आना, इसलिए भगवान ने विवाह किया। तो देखो, रावण के समय उस त्रेता युग की जुड़ी कुछ कथाओं को भगवान ने कलयुग में पूरी की। ये तिरुपति बालाजी जिनके हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, धन्य है ठाकुर जी का दर्शन। अब देखो, हम लोग तिरुपति बालाजी जाएं तो दो दिन लगता है, चार दिन लगता है, लेकिन मन से भाव से तुरंत पहुंच जाओ तिरुपति बालाजी के चरणों में, लेट जाओ तुरंत, उनके गले लग जाओ तुरंत, भाव से मन से चरण छू के आ जाओ, तुरंत आ जाओ, एक मिनट के भीतर, कोई खर्चा नहीं, मन से काम कुछ भी करो, कहीं रहो, मन भगवान के चरणों में रहे, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। कहां भी रहो, कुछ भी करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया, वह असली सीता, वह अग्नि में समाई थी असली सीता, और वह माता सीता की केवल परछाई वह वेदवती माता थी। समझ में आ गई बात? इसलिए सीता मां के चरित्र पर जो लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं कि रावण के यहां रहकर आई, ये लोग ये जानते नहीं है, समझते नहीं है, सीता कौन है। माता सीता कोई सामान्य तत्व थोड़ी है, माता सीता जगत जननी है, जगदम्बा है, इस सृष्टि की मां है, वो जीव मात्र की मां है, वो तुम्हारी मां, हमारी मां, रावण की भी मां है वो। रावण किस खेत की मूली है? रावण भगवान के आगे कौन है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, उन मां के ऊपर कोई उंगली उठाए? इसलिए समाज ने फिर भी उंगली उठाई तो उठाए, लेकिन आपको कभी संदेह नहीं होना चाहिए। आपने ये, आप में से कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि राम जी ने बड़ा गलत किया, माता सीता को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। राम जी क्या माता सीता को त्याग सकते हैं?
अरे भगवान राम और सीता ऐसे हैं, गिरा अर्थ जल बीच सत गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये भिन्न है ही नहीं, जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। बंदऊ सीता राम पद, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। क्या बताएं मेरी माँ, राम जी ने माता सीता को त्यागा नहीं, निकाला नहीं। लोगों ने उंगली उठाई तो माता सीता बोली ठीक है हम संत जी के यहाँ रह लेंगे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए। वो लीला करना है। राम जी सीता माँ के, जब रावण सीता माँ को ले गया तो राम जी रो रहे हैं, हे सीता हे सीता, हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, राम जी रो रहे हैं। तो ये जो राम जी रो रहे थे, तो क्या ये राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे, बताओ? राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे? जोर से जोर से जोर से, झूठे थे। क्यों? क्योंकि वो लीला कर रहे थे। उन्हें सब पता था रावण कहाँ है, सीता कहाँ है, कौन ले गया, लीला ही करनी थी उन्हें। वो भगवान है, सर्वांतर्यामी है, वो भगवान है। चीटी क्या सोच रही है वो भी वो जान रहे हैं, हाथी क्या सोच रहा है वो भी वो जान रहे हैं। चीटी यहां से जाकर किस तरफ मुड़ जाएगी, किस तरफ मुड़ के किस तरफ जाएगी, हम नहीं जानते कि वो किस तरफ मुड़ेगी, भगवान जानते हैं कि वो कहां जाने वाली है, किस रास्ते से जाने वाली है, अगला टर्न क्या होगा। फिर भगवान है मेरी माँ, भगवान से क्या छिपा है ये तो बताओ। हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहा है। बोलना छोड़ दीजिए, आप कुछ सोचिए, अभी आप कुछ सोच रही हो ना, वो भी सुन रहे हैं भगवान। ऐसा भगवान भगवान है, सबकी जानते हैं, चीटी से लेकर हाथी तक का सबको जानते हैं भगवान, सबके भीतर है। एक परमात्मा अनेक रूपों में सबके अंदर व्याप्त है, भगवान है वो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। समझ रही हो ना मेरी माँ? इसलिए भगवान को भगवान की तरह देखो, सर्व सामर्थ्य है। जिनके भक्त चुल्लू भर पानी तीन चुल्लू में समुद्र पी जाते हो, अगस्त जी ने तीन चुल्लू में समुद्र पी लिया था। जिनका भक्त इतना ताकतवर हो कि समुद्र पी जाए, वो भगवान को कौन सी वाणी से तुम समझोगे, कौन से वेद पुराणों से जानोगे? भगवान वाणी से परे हैं, भगवान सोच से परे हैं। ना किसी की बुद्धि वहां तक जा सकती है, ना कोई वहां तक विचार कर सकता है। ईश्वर अतर्क हैं, ईश्वर समुद्र से भी गहरे हैं, आकाश से भी ऊंचे हैं, भगवान है वो। राम हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए वह विशाल परमात्मा, विराट परमात्मा सगुण साकार के रूप में राम जी के रूप में प्रकट हो गए, हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए। लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी उन राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी ने माता सीता को क्यों निकाल दिया। अरे वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं? इसलिए भगवान पर सवाल ना हो, श्रद्धा हो। भगवान को आप नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि भगवान ने अग्नि का पान किया था, अग्नि पानी की तरह पी गए थे। अब बताओ कौन इंसान पी सकता भैया आग को? तो जो परमात्मा अग्नि पी जाए, जो परमात्मा एक उंगली से पहाड़ गोवर्धन गिरिराज जी को उठाए, उस परमात्मा को तुम्हारी हमारी बुद्धि कितना जानेगी, उसे आप कितना जान लेंगे?
कितने बड़े बुद्धिमान हैं आपके उस परमात्मा को जान लेंगे, कितना जानते हैं आप, आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, एक भाषा, दो भाषा, पांच भाषा, दस भाषा। अरे भगवान तो इस धरती पर चींटी की भाषा, हाथी की भाषा, चमगादड़ की भाषा, भारतीयों की भाषा, चाइना के लोगों की चाइनीज भाषा, इस धरती पर जितनी भाषा, जितने जीवों के द्वारा बोली जाती है, सारी भाषाओं का ज्ञान भगवान को है, सबकी जानते हैं। हाथी की भाषा, हाथी क्या कह रहा, वो क्या कहना चाह रहा, चींटी क्या कह रही, क्या कहना चाहती, भगवान है, सब जानते हैं। उन्हें आप हम क्या जानेंगे, कितना जानेंगे, इसलिए उन पे विश्वास किया जाए, महसूस किया जाए कि वो हमारे आसपास हैं, उन्हें उनका अनुभव किया जाए, मन से उन तक पहुंचा जाए, हाँ। इसलिए भाव जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। हम क्या जानते हैं, इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी ना हो।